हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। अगस्त 1977 को ओहायो में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को अब तक का सबसे पावरफुल सिग्नल मिला था। ऐसा कोई सिग्नल पहले कभी रिसीव नहीं हुआ था। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकेंड तक चला, लेकिन जब कुछ दिनों बाद एक एस्ट्रोनॉमर ने इसे एक कंप्यूटर प्रिंटआउट पर देखा तो वो उसे इतना इम्प्रेसिव लगा कि उसने जल्दी से वाओ पूरे पेज पर लाल पेंसिल लिख दिया। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये डेटा यानी कि मैसेज ठीक वैसा दिख रहा था जैसा कि उन्हें एक एलियन इंटेलिजेंस के मैसेज से उम्मीद थी। जी हाँ, हालांकि कई बार दोबारा सर्च करने के बावजूद भी वो वाओ सिग्नल फिर कभी देखने को नहीं मिला। और जैसे ही ये बात बाहर निकली, कुछ ही पलों में जनता का इमेजिनेशन टॉप लेवल पर पहुंच गया था। कुछ लोगों के लिए वाओ सिग्नल अब तक का एलियन लाइफ के बारे में पता लगाने वाला सबसे पावरफुल और प्रॉमिसिंग सिग्नल था दोस्तों। लेकिन कुछ लोग इसे साइंस से पब्लिसिटी की जीत के रूप में देख रहे थे। सेटी के सीनियर एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि यह सिग्नल एलियंस का था या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता। इस सिग्नल के पीछे क्या मीनिंग हो सकता था, उसके लिए किसी को भी कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। ये ऐसा है जैसे आप अपनी एक झोपड़ी में से जंजीरों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और आपको तभी रियलाइज होता है कि भूत असल में होते हैं, लेकिन फिर वो आवाज़ आप दोबारा कभी नहीं सुनते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि अगर सिग्नल का नाम वाओ नहीं होता तो किसी ने इसके बारे में कभी सुना नहीं होता। सेटी के शुरुआती दिनों में इस तरह के वन टाइम सिग्नल्स बहुत आम थे। जी हाँ, जब कंप्यूटर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर एस्ट्रोनॉमर्स को नई डिस्कवरीज के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे और रिसर्च का बहुत ही तेजी से फॉलो अप करते थे। 1977 की गर्मियों के एंड में जेहरी अहमद बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के कंप्यूटर प्रिंटआउट के लेटेस्ट बैच को रिव्यू करने के लिए बैठ गया, जहां वो एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में अपनी मर्जी से काम कर रहा था। बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी कई दिनों तक लगातार डेटा कलेक्ट कर सकती है और तब तक करती है जब तक कि कंप्यूटर का स्टोरेज खत्म ना हो जाए। जी हाँ, जब स्टोरेज फुल हो जाता है उस समय एक टेक्नीशियन उसकी जांच करता था, चीज़ों को रिसेट करता था और आकाश के एक नए सिरे पर फोकस करते हुए रिसर्च शुरू करता था। दोस्तों, बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी अपने समय के एस्ट्रोनॉमर्स के बीच फेमस था। इस टेलीस्कोप को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने डिज़ाइन किया था और ये 1960s में यूनिवर्सिटी स्टाफ्स, वॉलंटियर्स और पार्ट टाइम मजदूरों द्वारा बनाया गया था। इसे अब तक का सबसे एक्यूरेट रेडियो मैप स्काई बनाने का काम को पूरा करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन फंड के पैसों से बनाया गया था। लेकिन बिग ईयर बाकी रेडियो टेलीस्कोप की तरह नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फुटबॉल के मैदान को सफ़ेद पेंट से ढक दिया हो और गोल पोस्ट के पीछे दोनों साइड पर बेंचेस लगा दिए हो। ये बेंचेस असल में टेलीस्कोप के बड़े रिफ्लेक्टर से इसके रिसीवर तक रेडियो सिग्नल्स को पहुंचाने में मदद करते थे। हालांकि 1972 में जब बिग ईयर ने स्काई की मैपिंग पूरी कर ली तो टेलीस्कोप को एक नए काम की जरूरत थी। 1973 की शुरुआत में नासा ने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलियन सिग्नल्स के लिए आसमान की खोज के लिए वॉलंटियर स्टाफ यानी जो बिना सैलरी के अपने मर्जी से इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते थे उन लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनके इस एफर्ट को सपोर्ट किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के अलावा डॉक्टरों, वकीलों, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स और पूरी तरीके से अनरिलेटेड प्रोफेशन के लोगों के एक ग्रुप ने मिलकर काम करना शुरू किया। दोस्तों, सीनियर एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि उस वक्त वो बहुत कम बजट पर काम कर रहे थे और इसीलिए किसी को भी वो पे नहीं कर सकते थे। उसके लिए हर कुछ दिनों में डेटा के बड़े प्रिंटआउट्स को रिव्यू करना उसके काम का एक रेगुलर हिस्सा था। और 17 अगस्त 1977 को जैसे ही उसने पेपर्स के नए ढेर को देखा, उनमें उसे नंबर्स और लेटर्स का एक सेट दिखाई दिया।
XEQUJ5, जो इसका मतलब नहीं समझ सकता उनके लिए बकवास जैसा लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के लिए इस डेटा का मतलब था कि बिग ईयर ने एक बहुत मजबूत सिग्नल उठाया था जो शुरू में कम था, फिर स्ट्रेंथ बढ़ी और फिर अचानक से सिग्नल गिर गया था। इसका मतलब था कि सिग्नल को उठाया गया था क्योंकि वो आसमान के एक स्पेशल एरिया डिटेक्टर के ऊपर से होकर गुजरा था और ये सिग्नल 50 चैनल में से सिर्फ एक चैनल में दिखाई दिया था। जी हाँ, ये एक ऐसा सिग्नल था जिसकी तलाश में एस्ट्रोनॉमर्स थे, क्योंकि फिर उन्हें ये पहचानने में देर नहीं लगी कि ये बेहद दिलचस्प था और एक ही शब्द वाओ ये उसके दिमाग में आया, जिसे उन्होंने उस पेज पर लिख दिया था। लेकिन जैसे ही उसने अगले दिनों के डेटा प्रिंटआउट चेक किए, उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि सिग्नल फिर से दिखाई नहीं दिए। बिग ईयर ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर और स्टाफ से मिलने के बाद ही उनका इंटरेस्ट और गहरा हो गया। साथ में उन्होंने आसमान के उस एरिया में किसी भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट की खोज की जो वाओ सिग्नल को एक्सप्लेन कर सके। एस्ट्रोनॉमर ने कॉमेट्स और प्लैनेट से लेकर सैटेलाइट सबको चेक किया, लेकिन वाओ सिग्नल का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं मिला। जी हाँ, टीम ने बिग ईयर टेलीस्कोप से एक महीने तक आसमान की उसी लोकेशन को ऑब्जर्व किया, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और एक साल बाद जब उन्होंने दोबारा कोशिश की, तब भी वाओ सिग्नल का कोई क्लू उन्हें नहीं मिला। लेकिन फिर भी बिग ईयर का ये प्रोजेक्ट 24 सालों तक लगातार चला, जिससे कि ये हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च बन गया। लेकिन दोस्तों, उस समय के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को वाओ सिग्नल जैसा कुछ और सिग्नल नहीं मिला और कोई भी सॉलिड कंक्लूजन ना निकलने की वजह से एक ही बात को माना जा सकता था कि ये सिर्फ एलियन ही ऐसा इम्प्रेसिव सिग्नल देने के लिए केपेबल हो सकते थे। 1998 तक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने टेलीस्कोप को डेमोलिश कर दिया था और इन सालों में कई और एस्ट्रोनॉमर्स ने वाओ सिग्नल पर रिसर्च किया था और बताया कि सिग्नल या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था या इसे रिलोकेट कर रहा था। सीनियर एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि उन दिनों इस तरह के सिग्नल्स का केवल एक बार शो होना एक बहुत आम बात थी। कंप्यूटर में रियल टाइम फॉलो अप करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अगर आज ये सिग्नल मिलता है तो कंप्यूटर कहेगा वाओ और सारे एस्ट्रोनॉमर्स वाओ सिग्नल की डायरेक्शन में टेलीस्कोप को हिलाना शुरू कर देंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वाओ सिग्नल असल में क्या था। एक बार जब ऑब्जर्वेटरी कंप्यूटर्स रियल टाइम फॉलो अप के लिए तैयार हो गए, तो ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल्स मिलने कम हो गए और ये टाइमिंग भी बिल्कुल ऐसी जैसे एलियंस को अब पता है कि ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं। सालों बाद भी सीनियर एस्ट्रोनॉमर को महीने में कम से कम एक बार ऐसे लोगों से ईमेल आते हैं जो उस प्रिंट आउट को देखते हैं और उस डेटा की हर तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर इसे एक एलियन कोड के रूप में देखते हैं जिसे इंसानों के लिए एक डायरेक्ट मैसेज के रूप में ये भेजा गया हो, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि प्रिंट आउट पर नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे एस्ट्रोनॉमर ने किया था, जो कि खुद एक इंसान था। तो एक तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरप्रेट हुआ वो असल में वही हो जो एलियंस ने हमारे लिए भेजा हो। लोगों को सिर्फ उस प्रिंटआउट को देखकर लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि मैसेज क्या है या एलियंस कितने बड़े हैं, लेकिन भले ही ये एलियंस की तरफ से ह्यूमंस के लिए पहला मैसेज था, एस्ट्रोनॉमर्स को अभी भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि वाओ सिग्नल का मतलब क्या हो सकता था। 1977 में हुई एलियंस के वाओ मैसेज की मिस्ट्री, जिसका सही कारण या कहे सेंडर आज तक हमें मालूम नहीं चला है, ऐसी मिस्ट्री का यूज क्रिशपुर में किया जा सकता है। जी हाँ, हालांकि फिल्म में इस कहानी को थोड़ा चेंज करके ये वाओ सिग्नल सच में जादू और उसके साथी एलियंस की तरफ से इंसानों के लिए भेजा जा सकता है। असलियत में तो कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्रिशपुर में हम वाओ सिग्नल पर फिल्म को एंड होते एक गुड बाय के रूप में या कहानी के मेन प्लॉट के रूप में भी देख सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो क्रिस सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया में भी जादू की एंट्री उनकी स्पेसशिप से मिले सिग्नल की वजह से हुई थी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।